Pastor Sahab is like, अरे भाई, अरे भाई, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि ये राज का बच्चा सिमरन को छोड़ के कहाँ चला गया। अरे भाई, पहली बार मोगैम्बो बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ है। तो अब ये कोशिश करते हैं कि चलो एक एक को बुलाते हैं, हम देखते हैं कौन सा लड़का सही होगा, सिमरन की शादी करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड किसकी है? शक्ति कपूर की। शक्ति कपूर साहब, आओ आओ मेरी जाना, मेरा नाम है शक्ति लंगड़ा, मेरी शादी करा दो, ढक 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 ढा। अरे भाई, कैसी अश्लील बातें कर रहा है ये लंगड़ा, बाहर निकालो उसको। तो ये सब टीवी पे चल रहा है, और इसके बाद जो हमारे एक आते हैं नाना पाटेकर साहब। अच्छा है मजनू, अच्छा है। अरे मजनू, क्या है ये? हाँ, क्या है ये? सही कहते थे कलम वाली भाई। अरे नाना, तेरी शादी कभी नहीं होगी। अरे मजनू, अरे बुढ़े, तू बता मेरी शादी कराएगा कि नहीं? सिमरन से शादी करनी है। उसके बाद अमिताभ बच्चन आते हैं, एंड ही इज लाइक, नमस्कार देवेंद्र सिंह, मैं हूं अमिताभ। अब इनकी आवाज के ना टाइप से एक तो ये हो गया, नमस्कार देवेंद्र सिंह, मैं हूं अमिताभ बच्चन, और बहुत-बहुत स्वागत है आपका। फिर सो मच, उसका नाम है कौन करेगा करोड़पति है, और दूसरा है हमारी जोड़ सिमरन जी से हमारी शादी कर लीजिए। हाँ, मजा आएगा, छोटे छोटे ऑप्शन होंगे, ए बी सी। अमरीश पुरी लाइक, अरे भाई, ऊपर वाले से थोड़ा डरो, भगवान से सिर्फ दो चार दिन ही छोटे होंगे आप। उसके बाद राजपाल यादव की एंट्री होती है। राजपाल यादव लाइक, अरे भैया, हम तो पहले ही से कहते थे, अरे मालिक, हमारी शादी लाल सिमरन से, इतने छोटे छोटे बच्चे होंगे, हाँ कसम, अरे क्या करें, रहा नहीं जाता, तड़प की ऐसी है ना। उसके बाद एक भाई साहब की एंट्री होती है टेढ़ी गर्दन के साथ, वो दरवाजे के पास खड़े बाहर, अजय देवगन, एंड ही इज लाइक, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मुझे कहा गया था कि यहाँ पे सिमरन की शादी हो रही है, लेकिन ये तो मेरी काजल है। एक शायरी कहना चाहूंगा मैं, और एक गाना भी गाना चाहूंगा। अरे भाई, कौन सी शायरी? हमें तो अपनों के लूटा, खैरों में कहा तब तक, हमें ऐसा खाना खिलाया गया जिसके दाने दाने में केसर का दम था। जैसे हर बैच की एक आइडेंटिटी होती है, आवाज ठीक आ रही है, हाँ, हर बैच की एक आइडेंटिटी होती है, जैसे हमारा बैच का सब शरीर बैच है, आई डोंट नो जब ये बैच मेरे सामने आता है, मेरे दिमाग में बैकग्राउंड में ऑलरेडी कच्चा बादाम बजने लगता है, आई डोंट नो व्हाई। जैसे क्या है ना कि जब हम इमरजेंसी में जाते हैं, कहीं पे भी हम जाते हैं, पोस्टिंग में जैसे सर्जरी में आते हैं, वहां पे आपको दिखाया जाता है कि अगर कोई डिजीज है तो प्लीज आज फोकी फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, फैमिली में कोई और बीमार तो नहीं है। तो मेरे दोस्त ने ना इसको बड़ा सीरियसली ले लिया और वो गायनी में चला गया। पेशेंट को कहता है कि क्या तकलीफ है, शी इज लाइक डॉक्टर साहब, बहन शी इज प्रेग्नेंट, तो बोल रहा घर में कोई और तो नहीं है। ऐसे एक दिन एक बंदा मुझे मिला बाहर, यहाँ टक शॉप में पार के पास, तो बड़ा कोट सूट वूट पहन के बैठा था। तो मैंने कहा, सर आप यहाँ कैसे? तो इज लाइक, मैं रेडियोलॉजी में पीजी कर रहा हूँ। तो मैंने कहा, अरे बड़ा डॉक्टर है भाई, करना पड़ेगा। तो मैं बैठा चुपचाप, और कह रहे कि आप क्या करते हो? आई वाज लाइक, सर मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ। तो कहता है, किस में? दो महीने मैं बोन एंड जॉइंट में रहा हूँ। अब आप सोच रहे हो क्यों, कदमों तली जमीन जो खिसकी मेरे। एनीवेज, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। सुनील शेट्टी की एंट्री होती है शादी के लिए, ठीक है? सुनील शेट्टी इज लाइक, अब नॉर्मल इंसान कैसे चलता है, यू 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 यू, सुनील शेट्टी खड़े होते हैं इस तरीके से। सुनील शेट्टी इज लाइक, आई एम शेट्टी,
है अंजलि। बाबूजी मेरे शादी करा दो बाबूजी, है बजरंगबली। ये सही अंजलि, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो अंजलि। अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊ ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा अंजलि। बीच में एंट्री होती है फरहान अख्तर की, यू नो फरहान अख्तर। दिलों में मेधावी लेकर चलते हो तो जिंदा हो तुम। 60 साल की उम्र में डांस करते हो गोविंदा हो तुम। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ कॉफी पीने जाए तो शर्मिंदा हो। उसके बाद एंट्री होती है बाबूराव की, ठीक है। बाबूराव इज लाइक यह राजो कूतरिया चमाइला कूतरिया, तू मेरे को बोला नहीं रे बाबा, ये सिमरन का मस्त शादी हो रहा, ये मस्त जाना पड़ेगा रे बाबा, मेरे को जाना पड़ेगा। अक्षय कुमार ने कहा बाबू भैया बहुत शरारते करते हो तुम्हें, बहुत शरारते करते हो, छोटी छोटी बातें बाबू करते हो, छोटू है बाबू भैया, बता रहा हूँ मेरा गुरु घंटा आदमी ये बता रहा हूँ मैं। उसके बाद धर्मेंद्र की एंट्री होती है, धर्मेंद्र इज लाइक कुत्ते कमीने मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अरे भाई यहाँ पे खून वून पीने की बातें नहीं हो रही, यहाँ मेरी बेटी की शादी हो रही है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंटर होते हैं, नवाज भाई इज लाइक नमस्ते सर, मेरे को बड़ा मजा आता है जब कोई डरता है, मालूम पड़ता है सामने वाले को अपनी जिंदगी की फिक्र है, और जिसको अपनी जिंदगी की फिक्र होती है ना माँ कसम मारने का मजा उसी को आता है। अभी इनको अमरीश पुरी ने निकाल के, नहीं तुमसे शादी नहीं होने। ही वाज लाइक अरे भाई मुझे अपनी बेटी के लिए दूल्हा चाहिए, नौकर नहीं चाहिए। तो इनका ईगो हर्ट हो गया। ही वाज लाइक अबे सुन पे बुढ़े, बाप का दादा का भाई का चाचा का साहब का शादी कराएगा तुम्हारा मोहल्ला में। पंकज त्रिपाठी, डू यू गाइस नो पंकज त्रिपाठी, कालीन भैया, उनका ऐसा लगता नहीं कि उनके मुंह में रसगुल्ले हैं ऑलरेडी भरे हुए, वो शांत है, गर्दन एक साइड, ही इज ऑलवेज लाइक दिस। देखो जितने भी लोग यहां बैठे हैं सबको एक बार बता देना चाहता हूँ कि कोई भी नेगेटिव कंप्रेशन नहीं चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पर शादी करने आए हैं और सिमरन से करके जाएंगे, मकबूल शादी की तैयारी करो। ऋतिक रोशन की एंट्री होती है, अब इनको भी शादी करने है। यहाँ पे शादी हो रही है, मुझे किसी ने कहा था कि जब तुम बड़े हो जाओगे, जब तुम सीख जाओगे तो तुम्हारी शादी होगी। आपने कहा था अपने बाप से सीखे हो, तो मैं अपने बाप से सीख के आया हूँ। तो इसके बाद डॉक्टर गुलाटी की एंट्री होती है। आहा, बट अ बिजी डे। यार मेरे को ना समझ में नहीं आता, ये जब भी शादी होती है मेरे को क्यों बुला देते हैं। पर इसके लिए मुझे सिमरन का ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी बातों पे अमरीश पुरी कंफ्यूज होकर अमरीश पुरी पूछने लगे डॉक्टर जाकिर नायक से, यू नो जाकिर नायक है। अरे जाकिर भाई आप क्यों चुप खड़े हो, आप ही बताओ आपके हिसाब से प्यार करना सही है कि नहीं है। जाकिर नायक इज लाइक दिस, माय अल्लाह ब्रदर आपके वेरी गुड क्वेश्चन, बट बंगाल से नंगे पाव आए होंगे भाई साहब का सवाल है कि प्यार करना सही है कि नहीं है, तो ब्रदर जाकिर को सिंगल है, जाकिर को क्या पता। तो टीवी बदली मैंने, आई मीन नहीं टीवी नहीं बदली, चैनल बदला। तो नेक्स्ट चैनल पे कोई हॉलीवुड फिल्में चल रही थी, और मैं एक ऐसा आदमी हूँ मैं सीना ठोक के बोलता हूँ कि मैं हिंदी डब हॉलीवुड देखता हूँ, ठीक है। तो हॉलीवुड मूवी चल रही है हिंदी डब, आप लोगों में से किसी ने देखी है कभी, वो मूवी चल रही है उसमें ऐसे लिखा है हाय जो तुमसे मिलके खुशी हुई।
मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मेरी बात सुनो मेरे दोस्त। जब तुम्हारे दादा केराटोकंजक्टिवाइटिस और तुम्हारी दादी अल्बुमिन की शादी हुई तो तुम 3 साल के थे मेरे दोस्त। ओह तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अगले चैनल पे कार्टून चल रहे थे, मोटू पतलू देखते हैं सारे लोग। हाँ तो मोटू इज लाइक, अरे खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती बड़े भैया, अरे तुम ही कुछ सोचो। पतलू इज लाइक, अरे मोटू भागने की तैयारी करो। जॉन इज लाइक, ज्ञान बनेगा ज्ञान। मुन्नी बदनाम होगी डार्लिंग तेरे लिए, ठीक है मानते हो? मुन्नी बदनाम होगी डार्लिंग तेरे लिए। अब डिफरेंट सिंगल्स इसको कैसे गाएंगे, जैसे गाना था मुन्नी बदनाम होगी डार्लिंग तेरे, अगर कुमार सानू को यही गाना मिलता कुमार सानू कैसे गाते? मुन्नी बदनाम हो गई है, ये तो मेरी जान हो गई है। मुन्नी के गाल गुलाबी है, शराबी जंदुबाम हो गई। और मोहम्मद रफी साहब वो अपने अंदाज में गाएंगे। हाँ इज लाइक, हो मुन्नी बदनाम हो गई, हो ये तो जंदुबाम हो गई, मुन्नी बदनाम हो गई। अचानक से मैंने रेडियो ऑन किया, वहां पे रेडियो कश्मीर चल रहा था जहां पे अशफाक लोन शहबीन कह रहे थे और उनका ये कहना था, शहर भी कैश के बजर है तेरे डब है फट लो, और मैं पेश करने वाला हूं आप सबके लिए शहर भी। इसके बाद मोदी जी की स्पीच चल रही थी, तो मोदी जी स्पीच में कह रहे हैं, मजा तभी आता है जब स्टैंड पे माइक होता है बिकॉज हाथ खुले रहते हैं। एनीवेज मोदी जी इज लाइक, मेरे मित्रों मेरे भाइयों बहनों, मैं पिछले सप्ताह कश्मीर गया था और वहां पर मेरी मुलाकात जीएमसी श्रीनगर के बॉय से हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि मोदी जी हमारी समस्या है, यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है। तो हमने उनसे कहा कि टेंशन ना लीजिए, हम आपके लिए गर्लफ्रेंड पॉलिसी की शुरुआत करेंगे जिसमें आपके इनबॉक्स में एक एक लड़की का मैसेज होगा। बीच में राहुल गांधी बोलते हैं, देखिए देखिए भैया, हमारे जमाने में अच्छे गाने बनते थे, मोदी जी के जमाने में गाने बनते हैं लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। मोदी जी लाइक, शहजादे जी मैं आपसे एक ही प्रश्न करना चाहता हूं कि अगर किसी को छूने से 440 वोल्ट की बिजली उत्पन्न होती है तो इसमें घाटा है क्या? केजरीवाल इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट राइट, जहां पे भी मोदी जी होते केजरीवाल वहां थे। ये भ्रष्टाचारी है जी, ये मोदी जी है भ्रष्टाचारी है, मैंने देखा था जी। ये जब दिल्ली में हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए थे तो मोदी जी गुरु गुरु कर रहे थे जी। तो मोदी जी का लास्ट सेंटेंस ये रहता है कि मोदी जी कहते हैं कि मैंने जब जीएमसी के लड़कों से पूछा कि आपके एम्प्लॉयमेंट का क्या इशू है, आप तो डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कहा मोदी जी गर्लफ्रेंड का होना भी तो जरूरी है। तो मैंने कहा गर्लफ्रेंड का क्या करना, मेरी खुद की नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।